कुरुक्षेत्र बाल कल्याण समिति की कस्टडी में कुरुक्षेत्र के लोकनायक अस्पताल में उपचाराधीन नाबालिग युवती लापता हो गई है। आनन फानन में पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। दरअसल जून माह 2023 को यमुनानगर बाल कल्याण समिति ने इस नाबालिका को कुरुक्षेत्र प्रशासन को हैंडओवर किया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर अनुपमा सैनी ने कहा कि ये बच्ची 1 जून 2023 से उपचाराधीन थी और गत 14 अगस्त को अस्पताल से किसी को बिना बताए चली गई है, तो पुलिस को सूचित किया गया है। वहीं आदर्श थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्द से जल्द बच्ची का पता कर लिया जाएगा। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कृष्ण पांचाल ने कहा कि निरंतर संज्ञान लिया जा रहा है। ये बच्ची हमारे यहाँ 1 जून से दाखिल थी और 14 तारीख को 11 बजे के करीब से ये हॉस्पिटल से कहीं चली गई है, हॉस्पिटल में नहीं है, प्रेजेंट है। और इसके बारे में जो हमने, क्योंकि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वन स्टॉप सेंटर से हमारे पास आई थी, तो हमने उनको सूचित कर दिया और जो आदर्श थाना है हमारा, उनको भी PI कर दी गई है इसके बारे में, मिसिंग के बारे में। तो डॉक्टर साहब, FIR इसकी लड़की हो चुकी है, तो जो चिल्ड्रन अधिकारी है उसकी तरफ से हुई है, तो इसकी जुम्मेवारी किसकी बनती थी, किसने दाखिल कराया था? उन्होंने ही हमारे पास, ये वन स्टॉप सेंटर से ही लेके आए थे हमारे पास, और हमारे पास तो इलाज के लिए आया था क्योंकि इसको टांग में कोई प्रॉब्लम थी, तो हम उसका इलाज कर रहे थे और उन्हीं की तरफ से इसको एडमिट कराया गया था। तो अभी लड़की मिली नहीं? जी नहीं, अभी तक नहीं मिली। क्लोज कर दी गई है और एज सून एज पॉसिबल हम इसको ट्रेस कर लेंगे। तो किसकी तरफ से FIR दर्ज हुई? ये CWC की तरफ से FIR दर्ज की है। तो कहाँ दाखिल थी लड़की? ये लड़की LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थी और ये लामा देकर ये चली गई थी। बच्ची को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और उसका ठीक से इलाज पिछले माह से चला भी हुआ था, और पिछले दिनों उसका चंडीगढ़ भी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा उसको चेक कराया गया, परंतु कुछ टेक्निकल कारण से उस बच्ची का चंडीगढ़ से यहाँ दोबारा से एडमिट करवा दिया गया था। बच्ची स्वस्थ भी है, ठीक भी है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। उसके पैर के रोड निकालने का एक कभी प्रयास हम सबका डॉक्टर्स के द्वारा था, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी। 14-8 से बच्ची को मैसेज हमारे पास भी आया कि बच्ची बेड से कहीं गई है, और अभी इस बच्ची के लिए जो भी कानूनी जो प्रक्रिया है विभाग द्वारा की गई है, आप सबके सहयोग मार्गदर्शन। तो आपकी तरफ से एक FIR भी दर्ज कराई गई है? जी जी, बच्ची के खिलाफ जितनी भी कानूनी जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई है, और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी निरंतर उस देख रेख में है। बाल कल्याण समिति द्वारा भी सब जगह मैसेज संदेश और जो जो कानूनी प्रक्रिया उसको ठीक करके आप सबके सहयोग से बच्ची भगवान करे जल्दी मिल जाएगी। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र बाल कल्याण समिति की कस्टडी में कुरुक्षेत्र के लोकनायक अस्पताल में उपचाराधीन नाबालिग युवती लापता हो गई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। दरअसल जून माह 2023 को यमुनानगर बाल कल्याण समिति ने इस नाबालिका को कुरुक्षेत्र प्रशासन को हैंडओवर किया था। पंजाब केसरी TV के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।